बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न वेट चैनल की अनोखी क्विज पार्ट 21 में। लेट्स प्ले जीके क्विज 21। इंस्ट्रक्शंस फॉर प्लेइंग क्विज। 10 क्वेश्चन आएंगे आपकी स्क्रीन के सामने सभी कैटेगरी से। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बारे में सोचने के लिए आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे। क्योंकि ये एक वीडियो क्विज है तो 10 सेकेंड बाद आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपना स्कोर हमारे साथ शेयर करना तो कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार की एक क्विज डेली खेलना चाहते हैं तो लर्न वेट चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि हर नई वीडियो के अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें, जिससे कि आप हर नई वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अगर आपको ये क्विज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप मग्न तट का विस्तार है? ऑप्शन ए 9.5%, ऑप्शन बी 8.5%, ऑप्शन सी 7.5% या ऑप्शन डी 6.5%। एंड योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। ने 9.5% संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के 9.5% भाग पर महाद्वीप मग्न तट का विस्तार है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी चेस या ऑप्शन डी बिलियर्ड्स। एंड योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन बी बैडमिंटन। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं, यह इंडिया के लिए खेलती हैं। आपको बता दें उनकी माँ रानी हरियाणा में एक राज्य स्तरीय बैडमिंटन खिलाड़ी भी थी। साइना ने राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी बनने की अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए बैडमिंटन को संभाला, जबकि उनकी बहन ने वॉलीबॉल खेला। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 9। एंड योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन बी 5। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। आपको बता दें ग्रह की सतह पर लगभग 71% पानी है और इसमें आर्कटिक, अटलांटिक, भारतीय, प्रशांत और दक्षिण समेत 5 महासागर शामिल हैं। उनकी सीमाएं नीले रंग के विभिन्न रंगों में विश्व छवि पर दिखाई देती हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 6। एंड योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन सी 7। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। आपको बता दें अधिकांश मानकों के अनुसार अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में अधिकतम 7 महाद्वीप हैं। कई ज्योग्राफर यानी भूगोलकार और साइंटिस्ट अब 6 महाद्वीपों का उल्लेख करते हैं, जहां यूरोप और एशिया संयुक्त होते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 मार्च, ऑप्शन बी 19 अप्रैल, ऑप्शन सी 15 मार्च या ऑप्शन डी 22 अप्रैल। एंड योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन सी 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस यानी कंज्यूमर डे मनाया जाता है। आपको बता दें विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता आंदोलन के भीतर उत्सव और एकजुटता के लिए एक वार्षिक अवसर है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक नेवल कितने बिटों के बराबर होता है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 16,
ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 4। एंड योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन डी 4। एक निबल 4 बिटों के बराबर होता है। आपको बता दें, निबल बाइनरी सिस्टम से संबंधित है। एक निबल को हेक्साडेसिमल अंक द्वारा दर्शाया जा सकता है और हेक्स अंक कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी कंप्यूटर सर्किट्री, या ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोग्राम्स, या ऑप्शन डी ह्यूमन ब्रेन। एंड योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राणा प्रताप सागर परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी केरल। एंड योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन बी राजस्थान। राणा प्रताप सागर परियोजना का संबंध राजस्थान राज्य से है। आपको बता दें, राणा प्रताप सागर बांध भारत में राजस्थान के रावतभाटा में चंबल नदी पर निर्मित 53.8 मीटर यानी 177 फीट ऊंचाई का एक गुरुत्वाकर्षण चिनाई बांध है। यह मध्य प्रदेश में अपस्ट्रीम पहुंच में गांधी सागर बांध से शुरू होने वाला 4 परियोजनाओं को शामिल करने वाली नदी के एक कैस्केड विकास की एकीकृत योजना का हिस्सा है। और डाउनस्ट्रीम पर जवाहर सागर बांध कोटा बैराज की एक टर्मिनल संरचना राजस्थान में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। उपभोक्ता अधिकारों यानी कंज्यूमर राइट्स की घोषणा अमेरिका देश में हुई थी। तो चलिए चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आप चाहें तो इसके लिए स्क्रीन भी वॉच कर सकते हैं। शान 55 वर्ष का है, सोनू शान से 5 वर्ष छोटा है और बालन से 6 वर्ष बड़ा है। बालन का सबसे छोटा भाई देवन है जो उससे 7 वर्ष छोटा है। तो बताइए देवन और शान के बीच आयु में कितना अंतर है? ऑप्शन ए 15 वर्ष का, ऑप्शन बी 18 वर्ष का, ऑप्शन सी 10 वर्ष का, या ऑप्शन डी 20 वर्ष का। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इस प्रकार जीके क्विज 21 के सभी क्वेश्चन हो जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन को छोड़कर, जिस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद क्विज खेलने के लिए। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की एक क्विज डेली खेलना तो सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद चैनल को, क्योंकि हम इस प्रकार की एक क्विज डेली शाम 7 बजे लाते रहते हैं। उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने अभी तक लर्न विद चैनल को सब्सक्राइब किया है और डेली इस चैनल को देखते हैं। और जो नए यूजर्स हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भी आइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली एक नई क्विज मिल सके। ये हम क्विज शाम 7 बजे डालते हैं। अगर आपको ये क्विज पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।